ॾाढो मज़ो आयो। जंबो जंप जिसने अपने सफर का आगाज DHA से किया था वो आज सफारी पार्क में शामिल हो चुका है। देखा है, अंदर छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा हो, सब जो है वो एक जैसे मुझे लग रहा है। जिसने भी सोचा है ना, बहुत अच्छा सोचा है कि जो बचपन की हमारी जो सारी चीज़ें थी जो हम मिस करते हैं, बचपन की मेमोरीज थी, वो रिलिव करने का मौका मिल रहा है। वो चीज़ जिसने गिनेस बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया, वो जंबो जंप जिसने अपने सफर का आगाज DHA से किया था, वो आज बल्दिया उज़्मा कराची के सफारी पार्क में शामिल हो चुका है। और आज ये सबसे बड़ा इनका जंबो सफारी यहाँ स्टैब्लिश हुआ है, जहाँ पर बच्चे आके भी खेल कूद करेंगे, बच्चियाँ भी आएंगी, बुजुर्ग भी आएंगे, हम जैसे लोग भी आएंगे और सबके सब एक घरेलू एटमोसफेयर में अपना बदलता हुआ कराची देखने में हम कामयाब हो पाएंगे। सोहेल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा हाथ थामा, हमारी मदद की और एक बेहतरीन फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्वालिटी की फैसिलिटी हमारे यहाँ लोगों को सस्ते दामों में मुहैया की है। मैं बताना चाहूँगा जो इसका वैसे रेट है मार्केट में, उससे कम रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर ये फैसिलिटी कराची वालों को मिलेगी, ताकि एक आम आदमी आ सके, लुत्फानंदोज़ हो सके, इंजॉय कर सके और हम सब कह सके कि हमारे कराची में क्या अच्छा काम हो रहा है और मज़ीद क्या क्या अच्छा काम इंशाल्लाह किया जा रहा है। तो ऐसा मैं आपकी इंतज़ामिया का, आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी मदद की। यह है कि वहाँ पे रेट 2500 है, यहाँ पे 750 रुपये है। ये वो खिदमत है जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करने की कोशिश कर रहे हैं। विजन था और हम भी नहीं समझते थे कि हम यहाँ पे आके कर सकते हैं, लेकिन मेयर साहब ने कहा वो और ये एक है, आपने यहाँ पे भी आना है, पूरा कराची एक है, उसके बाद जी हाँ फिर उसके बाद हम यहाँ आए और हमने इसको बिल्कुल नए तरीके से डिज़ाइन किया, जैसे सफारी पार्क है इसी तरह सफारी पे डिज़ाइन किया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह डिज़ाइन हुआ है और ये मेयर साहब का विजन आज आपके सामने। ॾाढो मज़ो आयो। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए बिल्कुल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। बहुत मज़ा आया, इट वाज रियली गुड। यू ऑल शुड कम एंड विजिट सफारी जंप। मैं हूँ जंबो जंप पुराना वाला था, ये भी वही है, लेकिन इसका नाम जो है वो एक्चुअली जंबो सफारी है, ठीक है, बिकॉज ये सफारी पार्क में है। और मैं अगर अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो आपको हालत देख के और मेरी मुस्कुराहट देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि देखिए वही बात है ना कि आप जब अंदर जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट आप एक्चुअली अपना माइंडसेट भूल जाते हो, उसी वजह ये आप भी बच्चे बन जाते हो लगातार। और ये इतना बड़ा है मतलब लाइक आपको अंदर जाएंगे तो आप भूल जाएंगे ज़मीन का है। और साथ में ये है कि क्या कहते हैं, आई थिंक ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हमारे से जो मेरी जैसे जो एज मेरी है उस कैटेगरी में, उसके अलावा और मुझसे जो बड़े हैं उस कैटेगरी में, उन सबके लिए है। बिकॉज मैंने तो देखा है अंदर छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा हो, सब जो है वो एक जैसे मुझे लग रहा है। कराची में वैसे इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है, इतनी अट्रैक्शन नहीं है टूरिस्ट के लिए, तो बहुत बहुत मज़े का है और अब एडल्ट्स भी जंप कर सकते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके, तो मेरे हिसाब से सबको ज़रूर आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। यही बेस्ट पार्ट है, जिसने भी सोचा है ना बहुत अच्छा सोचा है कि जो बचपन की हमारी जो सारी चीज़ें थी जो हम मिस करते हैं, बचपन की मेमोरीज थी, वो रिलिव करने का मौका मिल रहा है। आज हम लोग आए हुए हैं जंबो सफारी, लेकिन सबसे टाइट बात बताऊँ, मुझे 26 साल हो गए इस दुनिया में आए हुए और मैं पहली बार सफारी पार्क आया हूँ, पहली बार, मतलब मैं कराची में रहते हुए पहली बार आया हूँ और जंबो जंप आया हूँ। डिफेंस में खुला था, वहाँ मैं कुछ मसरूफिया की वजह से जा नहीं पाया, लेकिन भाई ये एक्सपीरियंस वर्थ इट है। मतलब आपकी अच्छी खासी कार्डियो हो जाती है यहाँ पर आके, मुझे मुश्किल से 10 मिनट हुए और आई एम स्वेटिंग, लाइक कार्डियो मतलब बंदे की पूरी हो जाएगी। अगर आप फिट हो तो भाई आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया है। मतलब इतनी मज़ेदार किस्म, मतलब आप
पार्क्स में जाते हैं ना, वहाँ पे वो जंपिंग कैसल होता है, बोलते यार भाई जाने दो जाने दो जाने दो, भाई जाने नहीं देता। लेकिन यहाँ पर आपकी कोई भी एज लिमिट हो आप अंदर जा सकते हैं, और इतने कोई मज़ेदार किस्म के अंदर लाइक चीज़ें हैं ना कि मतलब आप परेशान हो जाएंगे और आप थकेंगे भी नहीं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आप लोग भी आएँ, आकर मज़े लें।